स्पीक इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब सुबह से लेके रात तक इंग्लिश बोले। अब आप कह रहे होंगे कि इतना ही आसान होता तो हम कब का बोल रहे होते, क्योंकि सुबह से लेके रात तक अगर इंग्लिश बोलना आ जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो आसान है। गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात सच है कि आप बोल सकते हैं और इजिली बोल सकते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा, बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको यकीन होगा। अब जब बात उठी है मॉर्निंग और नाइट की, तो क्यों ना हम इस चीज को भी समझें कि ये जो नाइट है या फिर मॉर्निंग है, इनमें एक क्या फर्क है जो बहुत ज्यादा कॉमन है और लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, और नाइट के साथ हम इन द नाइट बोलते हैं क्या? ज्यादातर हम एट नाइट बोलते हैं, हालांकि इन द नाइट भी यूज होता है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, लेकिन बहुत ही रेयर। वो कब यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इन द मॉर्निंग है और एट नाइट है क्यों? सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं दिन को, जो कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, राइट? मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात। लेकिन अगर आपको बोलना हो भोर, जो कि सूरज निकलने से पहले का समय है, या फिर आपको बोलना है सांझ, जो कि सूरज ढलने के बाद का समय है, तो उन सब के लिए क्या यूज करेंगे इंग्लिश में? और तो और उनके साथ फिर इन आएगा या फिर एट आएगा, ये समझना जरूरी है। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि रात के 2 बजे हम क्या बोलते हैं, रात के 2 बजे, लेकिन अगर मैं अंग्रेजों की बात करूं तो वो बोलते हैं एट 2 in the morning। क्यों? आप देखिए ना, रात के 12 बजे को हम 12 AM लिखते हैं ना, तो सुबह हो गई, वो एम तो हम सुबह के लिए यूज करते हैं, तो अगर ये सुबह हो गई तो एट 2 in the morning ही बोलेंगे रात के 2 बजे को। तो ये क्या है, ये बहुत मुश्किल लग रहा है समझने में, बट अगर इन सभी चीजों को समझते हुए आप इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत सही इंग्लिश बोलेंगे। अब क्या है कि हमारे हिसाब से हम 4 बजे से सुबह देखते हैं तो रात 4 बजे तक होती है, बट ग्रामर के हिसाब से जाएंगे तो वो मॉर्निंग का समय है, मतलब 1 बजे मॉर्निंग बोलेंगे हम, 2 बजे मॉर्निंग, 3 बजे मॉर्निंग, सबको मॉर्निंग बोलेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि डे को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप हर एक समय की बात कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे इतने ज्यादा, जी हाँ है इतने। अब जैसे अर्ली मॉर्निंग में बोलूँ तो वो रात का 1, 2, 3 बजे भी है, सुबह का 4, 5 बजे भी, इन सबको आप अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं। ठीक, अर्ली मतलब जल्दी हो गया, तो सुबह का जल्दी, काफी पहले का टाइम, मतलब शुरू शुरू का। ठीक है, तो ये तो होगा आपका, हो गया आपका अर्ली मॉर्निंग। ये डॉन है जिसे हम भोर बोलते हैं, तो ये कब होता है? डॉन हम समझ सकते हैं कि आप देखिए 4, 4:30 बजे तक दिन निकलना शुरू हो जाता है, मतलब रोशनी होने लगती है, लेकिन सूरज नहीं दिखाई देता। तो जब तक सूरज नहीं दिखाई देता है उस समय को हम डॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुबह उठे, अभी अंधेरा है, लेकिन अंधेरे से जो रोशनी बढ़ रही है वो डॉन कहलाती है। और आप ये मत घबराइएगा कि इनके साथ जो प्रेपोजिशन आई वो तो यहाँ नहीं है, वो आगे वाले स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर सनराइज क्या है? सूर्योदय है आपका, जब सूर्य निकलने लगता है तो वो तो सनराइज हो गया। इसके साथ भी एट आएगा कि क्या आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर है मिड मॉर्निंग, ये वर्ड नया लग रहा होगा आपको, मिड मॉर्निंग, बट मिड मॉर्निंग पता है कौन सा टाइम है? जैसे आप कह सकते हैं कि 8 बजे से 9 बजे के आसपास का समय मिड मॉर्निंग कहलाएगा, क्योंकि वो मिडल में पड़ रहा है। अब हम रात से नहीं जोड़ रहे हैं, सुबह के 4 बजे से जोड़े तो समझ पाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो वो आपका मिड मॉर्निंग हो गया। और लेट मॉर्निंग क्या हुआ? लेट मॉर्निंग हो गया जैसे 11:30 कह लें या 11 कह लें, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, से लेके 12 बजे तक, 12 जो दोपहर का 12 बजता है ना, तब तक। तो एक काम करते हैं, हम इसको 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो 11 से लेके 12 दोपहर के 12 बजे तक के बीच को हम लेट मॉर्निंग कहेंगे। कुछ लोग उसी समय उठते भी हैं, तो ऐसे में आप बोल सकते हैं दे गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। अब ये लेट इन द मॉर्निंग क्यों हुआ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर है मिड डे। मिड डे क्या है? मिड डे होता है आपका ये जो 12 बजे है ना, 12 बजे, जैसे कि मैं कह सकती हूँ, आप बोल सकते हो 12 PM, ये जो है ये मिड डे है। मतलब अगर 12 बज रहे हैं तो उसे आप आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, उसे आप नून बोल सकते हैं या फिर मिड डे बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही 12 बजे के लिए यूज होते हैं। तो अगर 12 बजे कुछ आप करते हैं तो आप बोलेंगे आई डू दैट एट नून, ऑलराइट, और एट मिड डे। फिर आगे आफ्टरनून में, आफ्टरनून 12 बजे से लेकर सूरज ढलने तक आप आफ्टरनून बोल सकते हैं।
तो आप एट अराउंड समझ सकते हैं कि 5 बजे या 6 बजे, ज्यादातर 6 समझिए क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग वो भी टाइम चेंज होता रहता है। तो वो हो गया आपका आफ्टरनून, मतलब लंबा है लगभग 6 घंटे का। फिर है इवनिंग, इवनिंग आपका हुआ सूरज ढलने के बाद से शुरू, ऑलराइट। फिर है सनसेट, सनसेट क्या है, सूरज जब ढल रहा है वो सनसेट है, सूर्यास्त जिसे हम बोलते हैं, तो उस समय को बताने के लिए सनसेट यूज कीजिए ना, हम हर बार क्यों इवनिंग यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या, ये ट्वाइलाइट, सूर्य जब डूब गया फिर भी रोशनी रह जाती है तो वो ट्वाइलाइट कहलाएगा, जिसे हम कह सकते हैं सांझ जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, संध्या जिसे आप बोलते हैं, और जिसे गोधूली बेला भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद भी जो और ज्यादा अंधेरा हो जाता है ना, जिसमें कि बिल्कुल अभी अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा हो रहा है, काफी डार्क हो रहा है अब, तो वो डस्क कहलाता है। तो ये भी हिंदी में आपको यही सब मिलेंगे। तो ट्वाइलाइट और डस्क लगभग साथ साथ ही समझ में आएंगे आपको। फिर नाइट है आपका रात का, और फिर मिडनाइट है। मिडनाइट क्या है, रात के 12 बजे, तो जिसे हम बोलते हैं 12 AM, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो 12 बजते हैं ना रात के, वो आधी रात कहलाती है, मिडनाइट कहलाती है। तो अब आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं दिन की बातों को करने के लिए। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे पूरे दिन में, आप क्या काम करते हैं, क्या चीजें करते हैं, वो सभी वर्ड्स आप सीख लेंगे। इनके साथ जो सही प्रेपोजिशंस आएंगे वो आप सीख लेंगे। तो आप सोचे ना कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। गाइस प्रेपोजिशन पे मैं प्रो टिप्स भी दे रही हूँ, ताकि आपकी जो और भी कंफ्यूजन है ना प्रेपोजिशंस को लेके, वो भी बिल्कुल दूर हो जाए। तो उन सबके लिए आपको केवल और केवल वीडियो में एंड तक बने रहना है गाइस। इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे बट बहुत कुछ सीख के जाएंगे। माई नेम इज कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। अब चलिए आगे सीखते हैं और सबसे पहले इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैंग ऑन, चैनल को सब्सक्राइब तभी करना है जब आपने सब्सक्राइब ना किया हो। मतलब अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस तुरंत आप तक पहुंचे और आप मेरी सभी नई वीडियोस को देख पाए। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला है आई गेट होम बाय अर्ली मॉर्निंग। हम भोर को अर्ली मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग आपका रात वाला भी समय है और भोर का भी समय। तो कह सकते हैं कि मैं भोर तक घर पहुंच जाता हूँ। आई स्टार्ट वर्क एट डॉन, मतलब मैं भोर में ही काम शुरू कर देता हूँ। वी गॉट अप एट सनराइज, हम सूर्योदय के समय उठ गए। एट मिड मॉर्निंग दे हैव मिल्क विद बिस्किट्स, मतलब 8-9 बजे के आसपास वे मिल्क बिस्किट्स के साथ लेते हैं। सम पीपल वेक अप अराउंड लेट मॉर्निंग, कुछ लोग 11 से 12 बजे के बीच उठते हैं। I just have a sandwich at midday, मतलब 12 बजे मैं केवल सैंडविच लेती हूँ। My first class is at noon, मेरी जो पहली क्लास है वो 12 बजे दोपहर में होती है। My baby usually sleeps in the afternoon, मेरा जो बेबी है वो दोपहर में, आमतौर पर दोपहर में सोता है। तो देखिए in the afternoon यूज़ किया, यहाँ at noon यूज़ किया। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, गौर से prepositions पर ध्यान रखिएगा। In the evenings, I like to relax, मतलब शाम को मैं रिलैक्स करना पसंद करती हूँ। यहाँ in the evenings बोला है, in the evening भी बोल सकते हैं आप, इवनिंग से, क्योंकि मैं हर एक इवनिंग की बात कर रही हूँ रोज के। एवरी इवनिंग एट सनसेट वी हैव टी टुगेदर, मतलब हर शाम सनसेट सूर्यास्त के समय वी हैव टी टुगेदर, ठीक है, हम साथ में चाय पीते हैं। वी वेंट फॉर अ वॉक एट ट्वाइलाइट, मतलब गोधूली बेला में कह ले, गोधूली के समय, संध्या के समय वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक पर गए थे। द स्ट्रीट लाइट्स गो ऑन एट डस्क, मतलब शाम को सांझ के समय जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। दीज एनिमल्स ओनली कम आउट एट नाइट, ये जो जानवर हैं ये केवल और केवल रात में बाहर आते हैं। दे हैड टू लीव एट मिडनाइट, उन्हें आधी रात को निकलना पड़ा, आधी रात वही 12 बजे, ठीक है। तो आपने अगर प्रेपोजिशंस पर गौर किया हो
तो उस चीज को ही अच्छे से ध्यान से आपको समझना है ताकि गलतियां ना हो। देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग हम बोलते हैं, मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग बताया, लेकिन जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो ये थोड़े से अलग हो जाएंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग द सेम वे यहाँ आएंगे, लेट मॉर्निंग के लिए भी लेट इन द मॉर्निंग हम ऐसे यूज करेंगे। बाकी डॉन, सनराइज, मिड मॉर्निंग इनके साथ देखिए एट आया है, उसी तरीके से मिड डे, नून यहाँ पर भी एट आया है, तो नून के साथ एट आता है, लेकिन आफ्टरनून के साथ इन आता है, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, यहाँ तक आपने देखा कि इन आया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एट सनसेट, एट ट्वाइलाइट, एट डस्क, एट नाइट, एट मिडनाइट, मतलब ये सब के साथ एट आया है। तो इस चीज़ को आप गौर से समझ ले, मॉर्निंग के लिए हम इन द मॉर्निंग बोलते हैं, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट एट नाइट, एट नून, एट मिड डे, क्लियर। उसी तरीके से जब ट्वाइलाइट, डस्क ये सब जुड़े, सनसेट सबके साथ एट आ रहा है, क्लियर हुआ यहाँ तक। गाइस ऐसी वीडियोस और पाने के लिए कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही जरिया है जो मुझे बताता है कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। बाकी आपके भी सुझाव हो, आपके भी टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब उन वर्ड्स को सीखते हैं। देखिए इन द मॉर्निंग हम सुबह में क्या क्या चीजें करते हैं उसको समझिए, वर्ड्स को समझिए, ताकि आप खुद से ढेरों सेंटेंसेस बना सकें, फॉर्म कर सकें, बोल सकें। स्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, ये स्थिति बताएगा। When you are sleeping, you are asleep. जब आप सो रहे हैं तो क्या कहेंगे, वो सो रहा है, तो he is asleep भी बोल सकते हैं, he is sleeping भी बोल सकते हैं। फिर wake up का मतलब होता है जागना। When you wake up, you stop sleeping. जब आपका सोना बंद हो गया मतलब अब आप उठ गए हैं, तो जाग गए हैं। When you wake up, so I woke up at this time, आप ऐसे बता सकते हैं, और I wake up every day at this time, ये आप बोल सकते हैं। फिर आते हैं awake या फिर up, इसका मतलब होता है जागा हुआ। जैसे asleep था तो कह सकते हैं उसका opposite है awake, ठीक है, तो जागा हुआ स्थिति बताएंगे। When you wake up, you are awake, जैसे कहते हैं ना कि उठ गए क्या, तो are you up or are you awake, all right, so you are awake or you are up। अब आते हैं get up, यहाँ था wake up, यहाँ है get up, क्या फर्क है। wake up होता है नींद से जागना, ठीक है, आप सो रहे थे, आप जागे हैं, और आप जाग के भी बिस्तर में बैठे ही हैं, तो अब आप, आपके लिए ये नहीं कहा जाएगा wake up, अब कहा जाएगा get up, मतलब उठो, बिस्तर से निकलो, उठना। तो get up means उठना, when you get up you leave your bed, all right। अब है आगे की और क्रियाएं, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ का मतलब हुआ मंजन करना, तो ये बहुत सिंपल है, आप बोल सकते हैं I'm brushing my teeth और I take 5 minutes to brush my teeth। फिर फ्लॉस योर टीथ, ये होता है धागे जैसा दांतों के बीच में डाल के, तो ये करते हैं, तो आप ये बोलेंगे टेक अ शावर और टेक अ बाथ, नहाने के लिए, आई एम टेकिंग अ शावर और आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रही हूँ। हैव अ शावर और हैव अ बाथ, सो टेक का भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं, मन आए तो शावर का यूज, मन आए तो बाथ का यूज। वैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें, आप शावर से नहाते हैं तो शावर का यूज करेंगे, और बाथ टब में नहाते हैं, जो बाथ टब को एक्चुअली बाथ बोला जाता है, तो आप उसका यूज करें, दो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। फिर है गेट रेडी, मतलब तैयार होना, सो आई एम गेटिंग रेडी। तो जो काम आप कर रहे हैं आप मन में ही चाहे या बोल बोल के ही इन्हें बोलते रहें, नाउ आई एम गेटिंग रेडी और आई एम गोइंग टू गेट रेडी, मैं तैयार होने जा रही हूँ, ठीक है। फिर आप जब कपड़े पहन रहे हैं आप बोलिए आई एम गेटिंग ड्रेस, ठीक है, आई एम गेटिंग ड्रेस, इसका मतलब हो गया कपड़े पहनना, ठीक है, आई एम गेटिंग ड्रेस, मैं कपड़े पहन रही हूँ। फिर है कॉम या फिर ब्रश योर हेयर, when you are combing your hair, if you are using a brush, then you would say, I'm brushing my hair. तो दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप क्या यूज कर रहे हैं, अगर comb यूज कर रहे हैं तो comb, ब्रश यूज कर रहे हैं तो ब्रश, ऑल राइट। फिर है पुट ऑन मेकअप, मेकअप लगा रहे हैं उसके लिए आप पुट ऑन का यूज कर सकते हैं, I'm putting on makeup, what are you doing, why are you taking so long, hang on, just hang on a second or a minute, I'm putting on my makeup, all right। मेक ब्रेकफास्ट का मतलब हो गया नाश्ता बनाना, तो हम जब कुक करते हैं तो कुक करने के लिए हम कुक, मेक दोनों का यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हैं, तो मेकिंग ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता बनाना। फिर है ईट ब्रेकफास्ट, इसका मतलब हो गया नाश्ता खाना, ऑलराइट, मैं नाश्ता खा रही हूँ, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट।
फिर है गो टू वर्क और गो टू स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू वर्क। ऑलराइट, फिर आई कम्यूट टू वर्क, आप ये भी बोल सकते हैं, कम्यूट मतलब वहां जाने की जो क्रिया है, आई कम्यूट टू वर्क। क्लियर। अब है ईट लंच, अब आ गए हम नून में, इन दी आफ्टरनून बोले या एट नून, आपको पता ही है। ईट लंच, आप लंच कर रहे हैं, ईट यूज कीजिए, टेक यूज कीजिए, हैव यूज कीजिए, ठीक है। आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, आई एम हैविंग लंच, आई एम टेकिंग लंच, इट्स अप टू यू आप क्या यूज करते हैं। गो आउट टू ईट और ईट आउट, मान लीजिए कि आप लंच बॉक्स नहीं लेके जाते, आप बाहर जाके खाते हैं, तो आई एम गोइंग आउट टू ईट और आई गो आउट टू ईट, ये बोल सकते हैं, या फिर आई ईट आउट इन द आफ्टरनून, ये भी आप बोल सकते हैं। फिर है टेक अ नैप, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए सोना, दोपहर में आप सभी आराम करते होंगे आधे घंटे एक घंटे के लिए, तो दैट इज कॉल्ड टेकिंग अ नैप। तो आप बोल सकते हैं आई टेक अ नैप एवरी डे और आई टेक अ नैप फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आई टेक अ नैप फॉर अबाउट वन आवर, ये आप बोल सकते हैं। फिर है गेट ऑफ वर्क, अब ये नून में ही आ गया, अगर इवनिंग में आप ऑफिस से निकलते हैं इवनिंग में तो आप इसको उसमें लीजिएगा, बट गेट ऑफ वर्क का मतलब होता है काम से निकलना, ठीक है, ऑफिस से निकलना। तो जब आप ऑफिस से निकल जाते हैं, ऑफिस छोड़ देते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं गेट ऑफ वर्क। तो आई गेट ऑफ वर्क एट 5, ये आप बोल सकते हैं। लीव स्कूल, स्कूल से आप छूटते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो आप बोलेंगे आई लीव स्कूल। फिर है गो होम, गो होम हो गया, मान लीजिए यहाँ से आप बोल रहे हैं गेट ऑफ वर्क देन गो होम, आई गो होम एट अबाउट 5:30, ठीक है। तो गो होम का मतलब हो गया घर जाना, ध्यान रखें होम के साथ हम टू का यूज नहीं करते, आप गो टू होम मत बोलिएगा। फिर आएंगे गेट होम, अब ये था घर जाना, गेट होम का मतलब है घर पहुंचना, गेट का मतलब हम मतलब रीच के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो गेट होम मीन्स घर पहुंचना, आई गेट होम बाय 6 o'clock और आई गेट होम अराउंड 7 o'clock और अराउंड 7:30, ठीक है। तो टाइम आप समझ गए कैसे बताना है। फिर है डू होमवर्क, ऑलराइट, डू होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य करना, तो ध्यान रखें मेक यूज ना कर दें आप, न ही राइट का यूज करें, होमवर्क के साथ डू का यूज होता है, आई एम डूइंग माय होमवर्क और आई विल डू इट लेटर, आई विल डू माय होमवर्क लेटर, आई डिड माय होमवर्क, आई हैव डन माय होमवर्क, एवरी टाइम डू क्रिया का यूज करना है, डू डिड डन का। क्लियर। अब आते हैं इवनिंग में, अब हम ठीक है, इवनिंग में वर्क आउट और एक्सरसाइज, इफ यू डू दिस इन द मॉर्निंग दैट्स ओके, आप वर्कआउट और एक्सरसाइज के बीच में स्लैश देख रहे हैं, मतलब हम दोनों यूज कर सकते हैं, आई एम एक्सरसाइजिंग और आई एम वर्किंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है जिसे आप कह सकते हैं चिल करना, आप हैंग आउट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वी हैंग आउट एवरी इवनिंग, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। हैंग आउट जिसे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, तो कह सकते हैं थोड़ा या थोड़ी देर बिताना किसी के साथ, थोड़ा समय बिताना, ये कह सकते हैं हैंग आउट, थोड़ा समय बिताना। ऑलराइट, डू लेट मी नो इफ यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं, आप अपने घर के मेंबर्स के बारे में बोलिए कि वो क्या करता है इतनी बजे, मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, और मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं वो क्या क्या करते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ अलग अलग करता है। इसके जरिए आप कितने सारे नए वर्ड से खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे, बोलेंगे, आपकी आदत बनेगी। और अगर आप चाहें कि प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ करें, तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरी में नोट डाउन कीजिए या फिर मन में सोचते रहिए, मतलब हर समय आपको इंग्लिश में सोचते रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर है रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब हो गया आराम करना, ऑफिस से जब थके हारे आते हैं तो रिलैक्स भी करते हैं आप, तो आई रिलैक्स फॉर अबाउट हाफ एन आवर, ऐसे आप बोल सकते हैं। वॉच टीवी, वॉच टीवी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है ऑफ कोर्स, वॉच टीवी मतलब टीवी देखना, तो आई वॉच टीवी इन द इवनिंग अराउंड 8 o'clock, ठीक है, ये बोल सकते हैं। फिर है मेक डिनर, मेक डिनर का मतलब हो गया अगेन मेक, कुक और प्रिपेयर, मैं डिनर पका रही हूं, पकाना हो गया यहाँ पे, डिनर बनाना या पकाना, ठीक है। ऑलराइट, फिर है ईट डिनर, आप डिनर खाने की बात कर रहे हैं तो ईट के साथ मैंने आपको और वर्ड्स दिए ही। फिर है गो आउट, अगर आप बाहर जाके कुछ करते हैं तो आप गो आउट यूज करेंगे, आई गो आउट एट नाइट,
ठीक है, मैं रात में बाहर जाता हूँ या जाती हूँ। क्लियर। अब आ गए हम नाइट पे। और राइट, मैंने पहले ही आपको नाइट वाला सेंटेंस दे दिया, कोई बात नहीं। समय इतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर कर रहा है कि आप किस तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग सुबह करते हो एक्सरसाइज, कुछ लोग शाम को करते हो, कुछ लोग सुबह होमवर्क करते हो, कुछ लोग शाम को करते हो, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। राइट, एट नाइट और इन द नाइट दो चीजें हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। अगर हम जनरल किसी भी, मतलब किसी पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, तो एट नाइट यूज करते हैं। बट अगर किसी पर्टिकुलर नाइट की बात करें, जैसे लास्ट नाइट, मतलब कल की रात जो बीत गई, तो हम इन द नाइट यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही है, बट दिस वन इज कॉमन। तो अगर आप इसको यूज करते हैं उस सिचुएशन में भी, तो भी गलत नहीं होगा। तो अगर सेफर साइड में रहना चाहते हैं, आप एट नाइट का यूज करें। Get ready for bed. So, at about 9 o'clock, I start getting ready for bed. ठीक है, मैं अब यहाँ get ready for bed का मतलब सोने के लिए तैयार होना। ठीक है, तो मैं सोने के लिए, सोने की तैयारी करने लगती हूँ, कुछ ऐसे। Get things ready for the next day. ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि कल क्या करना है, क्या चीजें मुझे सुबह सुबह करनी है, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन। तो get things ready for the next day means अगले दिन के लिए चीजें तैयार करना। So I get things ready for the next day, or I get things ready for the next day every night. हर रात सेट द अलार्म। सो बिफोर गोइंग टू बेड यू डू दिस, राइट, एवरी डे एवरी नाइट आई वुड से सेट द अलार्म। सो आई सेट द अलार्म एंड देन आई गो टू बेड। आप ऐसे बोल सकते हैं। सेट आउट थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो कई लोग क्या करते हैं कि सुबह क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके लिए चीजों को पहले ही अरेंज करके रख लेते हैं, ताकि सुबह ऐसा ना हो कि ढूंढने जा रहे हैं, भाई अब तो चीजें मिल नहीं रही हैं, कैसे बनाऊं, टाइम ना वेस्ट हो। So you can use this. I set out things for breakfast. ठीक है, अब है lay out the clothes that you will wear the next day. Alright, ये इसी का sentence है। Lay out the clothes that you will wear the next day. Lay out the clothes का मतलब अलमारी से निकाल के आप जब बाहर रख देते हैं ना, खोल के, कि मुझे कल सुबह ये पहनना है, तो उसके लिए आप ले आउट का यूज करते हैं। एंड इफ यू डू दिस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई थिंक बट आई कैंट डू इट। मैं सोचती तो हूँ, कर नहीं पाती। फिर है गो टू बेड और गेट इन बेड। सो गो टू बेड मीन्स बिस्तर पर जाओ, सोने जाओ, दोनों ही हो गया इसका मतलब। आई एम गोइंग टू बेड मीन्स आई एम गोइंग टू स्लीप ऑफ कोर्स, और आई एम गोइंग टू बेड मतलब मैं बिस्तर पर जा रही हूँ, ये भी बोल सकते हैं। एंड गेट इन बेड मीन्स बिस्तर में आ जाओ, गेट इन बेड, ठीक है, आ जाओ या जाओ। फिर है गो टू स्लीप मतलब सो जाना। ऑफ कोर्स ये तो साफ साफ समझ आ रहा है, बट इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका भी मतलब सेम ही है, बोथ आर इक्वल। गाइस, अगर आप परेशान हैं टेंसेस को लेके, आपको टेंसेस समझ नहीं आते, तो अब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें एक घंटे में सभी टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखें और अपनी इंग्लिश को चुटकियों में इंप्रूव करें। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपको देती हूँ प्रेपोजिशन प्रो टिप्स, ताकि आप प्रेपोजिशन में गलतियां ना करें, सबसे ज्यादा होती हैं। तो टाइम के लिए अगर बात करेंगे, तो देखिए एट, ऑन और इन को समझेंगे। एट प्लस क्लॉक टाइम, अगर आप घड़ी का समय बता रहे हैं तो बेझिझक एट यूज कर लीजिए। आई यूजुअली गेट टू वर्क एट 8 AM, एट क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है, जो भी बोलना है आप एट के साथ बोल लेंगे। ऑन यूज करेंगे डे और डेट के साथ, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब है तो ऑन, उसके अलावा डेट्स हैं तो भी ऑन। आई वर्क ऑन संडेज, मैं रविवार को काम करती हूँ, ठीक है। आर यू वर्किंग ऑन जुलाई 28th, क्या आप 28 जुलाई को काम कर रहे हैं। अब आते हैं इन, इसमें भी कुछ न्यूएंसेस हैं, जैसे कि अगर मुझे दिस संडे बोलना हो तब मैं ऑन नहीं यूज करूंगी, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन दिस संडे, नो, आई एम वर्किंग दिस संडे। तो वो तो चीजें हैं जो आप समझेंगे ही, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब आते हैं मंथ, ईयर और सीजन, इन्हें अगर बताना है आपको तो आप इनके लिए इन यूज करते हैं। तो आप देखिए ड्यूरेशन जितनी बड़ी होती जा रही है, उस हिसाब से हम इनको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इस तरीके से आएंगे। I was born in February. मेरा जन्म फरवरी में हुआ था। I started posting videos in 2017. 2017 में मैंने videos डालना शुरू किया था। The schools open early in winter. तो winter है तो भी in,
ओके क्लियर। अब एक चीज ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये बताना हो कि इतने बजे से इतने बजे तक, तो आप फ्रॉम और टू का यूज करेंगे, से के लिए फ्रॉम और तक के लिए टू। माई सिस्टर वर्क फ्रॉम 7 AM, सॉरी यहाँ पे एक जीरो, ऑलराइट समथिंग इज रॉन्ग, दिस शुड बी देयर। माई सिस्टर वर्क फ्रॉम 7 AM टू, गॉट इट, यहाँ पे कोलन गायब हो गया है तो कुछ टेक्निकल इश्यू रहा होगा, तो चलिए ऑलराइट हियर। सो माय सिस्टर वर्क्स फ्रॉम 7 AM टू 11:30 AM, मतलब मेरी बहन 7 बजे से 11:30 बजे तक काम करती है। क्लियर, तो ये चीजें आपने समझ ली। अब देखिए आगे क्या है, प्लेस के लिए बात करें तो एट का यूज करें कि इनका या ऑन का, वो समझिएगा। एट हम यूज करते हैं जब जनरल लोकेशन और एन आइडिया, लोकेशन की बात करते हैं तो एट का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम एट होम, मैं घर में हूं, इसका मतलब है मैं घर में हूं, लेकिन मैं घर में कहीं भी हो सकती हूँ। हो सकता है मैं घर के बाहर जो बगीचा है मेरा वहां पर हूं, लेकिन वो भी घर में ही आता है, तो लोकेशन की बात है, ठीक है, इसलिए एट यूज किया। आई एम एट स्कूल, आई एम एट वर्क, ऑलराइट। अब यहाँ आएंगे इन, देखिए इनक्लोज स्पेस के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं जो कवर्ड है समहाउ, तो हम इनका यूज करते हैं, लाइक आई एम इन माय हाउस, ऑलराइट। ये हम तब यूज करेंगे जब हम एक्चुअल में घर के अंदर होंगे, आई एम इन माय हाउस। अगर मैं बाहर गार्डन में बैठी हूं तो मैं एट होम ही यूज करूंगे। और आई एम इन माय ऑफिस बोल सकते हैं, अगर ऑफिस के अंदर है, उसी तरीके से कमरे में है तो कमरे में। ऑन यूज करते हैं किसी भी सरफेस के लिए, जैसे कि अगर ये रूम है तो ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस होना चाहिए। तो ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ऑन द वॉल, वॉल पर भी कोई चीज है तो भी हम ऑन का यूज करेंगे। अब यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन, यूज इन और ऑन विद मोस्ट व्हीकल्स, मतलब ज्यादातर वाहनों के साथ आपको इन और ऑन का यूज करना है। एंड बाय विद द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो किस ट्रांसपोर्ट से आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर ये आपको कोई पूछे किससे आए हो, मतलब बस से आए, ट्रेन से आए, कार से आए, किससे आए हो, तब आप बाय का यूज करेंगे। अदरवाइज आप कहाँ हैं वो बताने के लिए आपको इन और ऑन का यूज करना होगा। तो देखिए ऑन हम यूज करेंगे लार्जर व्हीकल्स के लिए और वन पर्सन ट्रांसपोर्टेशन। लार्जर मतलब बड़े हो गए, जैसे ऑन द बस, बस एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है तो हम ऑन का यूज कर रहे हैं। ऑन द ट्रेन, ऑन द एयरप्लेन, ऑन अ बाइक, मोटरसाइकिल एंड हॉर्स। अब ये तो छोटे हैं लेकिन आप इनके ऊपर बैठते हैं, ये खुले हुए होते हैं ना, तो इसलिए आप इस हिसाब से समझिए। तो बाइक, मोटरसाइकिल एंड हॉर्स को हम इनके साथ हम ऑन का यूज करेंगे। फिर इन यूज करेंगे स्मॉलर व्हीकल्स के लिए, जैसे कि इन अ कार, इन अ टैक्सी, जिसमें कि थोड़े से लोग आते हैं। क्लियर, अब देखिए बाय हम कैसे यूज करें। टाइप के लिए मैंने बोला यूज करेंगे जब बताना हो किस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन से आप आए हैं, तो बाय बाइक, बाय बाइक, बाय कार, बाय बस, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो किससे आए हो कोई पूछे तो आप बाय का यूज करेंगे। ध्यान रखिए अगर फुट बता रहे हैं कि पैदल आए हैं तो आप ऑन का यूज करते हैं, ऑन फुट, तब आप बाय फुट नहीं बोलते। अब प्रेपोजिशन एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि जो भी डाउट बचे हो क्लियर हो जाएं। इन बेड और ऑन द बेड क्या यूज करें, बिस्तर में या बिस्तर पर, तो दोनों ही सही हैं। आई एम लाइंग इन बेड मीन्स अंडर द कवर्स, जब आप कुछ ओढ़ के लेटे होते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम लाइंग इन बेड, एंड आई एम लाइंग ऑन द बेड ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, जब आप कवर्स के ऊपर होते हैं, मतलब कुछ ओढ़ के नहीं लेटे हैं तो आप ऑन द बेड यूज करते हैं। ध्यान रखें यहाँ द नहीं है, यहाँ पे द है, ठीक, इस बात का भी ध्यान रखें। इन द बेडरूम मीन्स कमरे में, इट्स डार्क इन द बेडरूम, अगेन रूम है तो हम इनका यूज करेंगे। इन द बाथरूम मतलब स्नान घर में, समवन इज इन द बाथरूम, कोई बाथरूम में है, ये भी अंदर है, इसलिए हम इनका यूज करेंगे। इन द किचन मतलब रसोई में, माई मॉम इज कुकिंग इन द किचन, मेरी माँ रसोई में कुछ पका रही हैं। एट वर्क, इन द ऑफिस, देखिए वर्क के साथ एट यूज हुआ है, ऑफिस के साथ इन द ऑफिस यूज हुआ है, मतलब ऑफिस में। He is at work and he is in the office. मैं डिफरेंस आपको बता चुकी कि अगर लोकेशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम एट का यूज कर सकते हैं और इन यूज करते जो पर्टिकुलरली अंदर है तो, बट वर्क के साथ हमेशा एट आता है, ये आप ध्यान रखें। एट स्कूल मतलब स्कूल में, आई एम स्टडीइंग एट स्कूल। इन द लंच रूम और मतलब लंच रूम में, आई एम हैविंग लंच इन द लंच रूम, वो भी रूम है
तो इनका यूज होगा, सभी रूम्स के साथ इनका यूज होता है। तो गाइज अब है हमारी वीडियो को शेयर करने के, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और सुबह से लेके रात तक आप खुद प्रैक्टिस जरूर कीजिए, खुद भी कीजिए दूसरों को भी कराइए। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।